गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे सब ऑनलाइन कोर्सेस के स्टूडेंट्स को मेरा ग्रीटिंग्स। आज का सेशन थोड़ा नया प्रकार का है। ये वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने ऑनलाइन कोर्सेस के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बेसिक्स मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि साइट पे नॉर्मली होता ऐसा है कि कंक्रीट के अलग अलग ग्रेड्स हमको मालूम रहती हैं, और वो ग्रेड्स के लिए कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट हमको लगना वाला है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो मैं बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में 5 मिनट में आपको ये सिखाने वाला हूँ कि उसके लिए स्टेप्स एग्जैक्टली क्या क्या है। ओके, रेडी? एक खाली कैलसी आपके पास चाहिए, एक कागज, एक पेन, दैट्स ऑल। इसके अलावा किसी भी टेबल की, किसी भी जानकारी की आपको आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है, जस्ट फॉलो माय स्टेप्स, हियर वी गो। तो देखिए, सिंपल प्लेन पेपर, आज की डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेशंस ऑफ मटेरियल फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट ग्रेड M20। यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक बार M20 का मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में आप अलग अलग ग्रेड्स की मटेरियल रिक्वायरमेंट स्वयं कैलकुलेट कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि M20 अगर सीमेंट कंक्रीट है तो उसके लिए नॉर्मल प्रोपोर्शन क्या है? यस, हु कैन टेल मी व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट? सी इज टू एस इज टू ए। यस, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोपोर्शन? यस, सो सीमेंट इज 1 पार्ट, सैंड इज 1.5 पार्ट्स एंड एग्रीगेट इज 3 पार्ट्स। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ये हो गई आपकी बेसिक जानकारी। सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो हमको मालूम होना जरूरी है इस एक्सरसाइज के लिए। तो हमने लिखा है 1, 1.5, 3। ये बहुत ही कन्वेंशनल मिक्स है और IS 456-2000 के हिसाब से आपको कोई भी स्ट्रक्चरल कंक्रीट किसी भी बिल्डिंग में अगर डालना है तो उसकी मिनिमम ग्रेड होनी चाहिए M20। उससे हायर ग्रेड हो तो अच्छा है, बट मिनिमम ग्रेड जो रिकमेंड की हुई है IS 456 में वो है M20। सो इस M20 के लिए, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए सीमेंट सैंड एग्रीगेट हम लोग निकालने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप ये है कि आप यहाँ पे तीन इंग्रेडिएंट जो है कंक्रीट के, एक है सीमेंट, दूसरा है सैंड, तीसरा है यस एग्रीगेट, यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद में एक काम कीजिए जो आप सब स्टूडेंट्स को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे लाइन मारिए। लाइन मारना अच्छा लगता है ना, तो यहाँ पे लाइन मारिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अभी क्या करना है आपको, ये 1, 1.5, 3, इसको इस प्रोपोर्शन की जगह यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए। टोटल कितना हो गया, 1 और 1, 2 और 3, 5, इट बिकम्स 5.5। तो आपको अभी क्या करना है कि इस 5.5 को उठा के यहाँ नीचे शिफ्ट करना है। सो राइट डाउन 5.5, यहाँ भी लिखिए 5.5, यहाँ भी लिखिए 5.5। सिंपल, क्या किया हमने, सबसे पहले प्रोपोर्शन लिखा CSA 1, 1.5, 3, नीचे लिखा सीमेंट सैंड एग्रीगेट, लाइन मारी और नीचे लिखा इन तीनों का सम किया 1, 1.5, 3, आया 5.5। 5.5 से इन तीनों को डिवाइड कर दिया, दैट्स ऑल। फर्स्ट स्टेप इज सिंपल। सेकंड स्टेप में जाइए, एक फैक्टर लीजिए 1.52, यहाँ तीनों जगह पे लिख दीजिए 1.52।
1.52 हो गया, सिंपल है कि नहीं अभी? हाँ, ये मुझे मालूम है कि आप मुझे सवाल पूछने वाले हो कि ये 1.52 कहाँ से आया, तो इसका जवाब बाद में देता हूँ आपको, पहले पहले पूरा काम कर लेते हैं। ओके, सो 1.52 लिखिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और यहाँ पे अभी एक खास काम करना है अपने को। सीमेंट के सामने कितना फैक्टर है? एक का, सो एक यहाँ पे लेके आइए। सैंड के सामने कितना फैक्टर है? डेढ़ का, सो ये डेढ़ आप लेके आइए सैंड के सामने। और एग्रीगेट के सामने कितना फैक्टर है? तीन का, सो ये तीन आप लेके आइए एग्रीगेट के यहाँ। हो गई सेकंड स्टेप पूरी। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अभी क्या करना है आपको कि सीमेंट की, सॉरी, 1.52 डिवाइड बाय 5.5 जब करेंगे तो सीमेंट की क्वांटिटी आएगी क्यूबिक मीटर में। तो साइट में सीमेंट का पूरा ट्रांजेक्शन तो होता है क्यूबिक मीटर में, नहीं होता है, किसमें होता है? वो बैग्स में, है ना? तो इसलिए ये क्वांटिटी को हमको कन्वर्ट करना है बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स में। हम चाहते हैं कि सीमेंट की क्वांटिटी जो आए वो आए बैग्स में। तो उसके लिए मित्रों क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 28.8 से। हो गया, इसको यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल टू। फिर लोग पूछेंगे मुझे 28.8 कहाँ से आया, है ना? तो थोड़ा धीरज रखिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ 28.8 कहाँ से आया। अभी सैंड की इस प्रकार से जो क्वांटिटी निकलेगी वो आएगी क्यूबिक मीटर्स में। तो क्यूबिक मीटर में तो नहीं साइट पे मेजर होती है सैंड, किसमें होती है? ब्रास में। सो ब्रास में अगर आपको चाहिए ये क्वांटिटी तो आपको सिर्फ इतना करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.3529, 0.3529, और एग्जैक्टली सेम आपको रिपीट करनी है यहाँ पे, क्योंकि एग्रीगेट भी हमको चाहिए ब्रास में। 0.3529 से मल्टीप्लाई कीजिए, बस हो गया काम आपका। यहाँ लिखिए बैग्स, यहाँ लिखिए ब्रास, यहाँ लिखिए ब्रास। ओके, अभी क्या करना है? खाली कैलकुलेशंस करने हैं। तो चूंकि मोबाइल पर रिकॉर्डिंग हो रहा है मित्रों, इसलिए कैलकुलेशन हम लोग करेंगे पीसी पे। हालांकि पीसी की कोई आवश्यकता नहीं है, बट जस्ट 1.52 मल्टीप्लाइड बाय 28.8 डिवाइडेड बाय 5.5, आंसर इज 7.959। यहाँ लिख दीजिए फटाक से, हो गया 7.959 बैग्स, सीमेंट की क्वांटिटी आ गए 7.95। ओके, अभी चलिए सैंड कैलकुलेट की जाए। तो सैंड के लिए क्या कहा, 1.52 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3529 डिवाइडेड बाय 5.5 इक्वल टू 0.146। यहाँ तुरंत लिख दीजिए 0.146 ब्रास। तो सीमेंट लगने वाला है 7.959 बैग्स, सैंड लगने वाली है 0.146 ब्रास। अभी एग्रीगेट यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, इसका डबल ये हो जाएगा 0.292। डबल कैसे किया? देखिए यहाँ पे सैंड कितनी है 1.5, ये फैक्टर कितना आया 0.146, और यहाँ पे तीन है, सो इसको इसके एग्जैक्टली डबल हो जाएगा। तो ये कर दिया मैंने 0.292 ब्रास, हो गया। जिस किसी ने आपको पूछा होगा उसको कॉन्फिडेंस से बता दीजिए कि पहलवान, अगर सीमेंट कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर कास्ट करना है तो सीमेंट लगने वाला है 7.96 बैग, समझ लो इसको अप्रॉक्सीमेटली, इसको
अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, 7.96 बैग्स सैंड लगने वाली है, 0.146 ब्रास, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.6 घन फुट लगने वाली है। लेट अस राइट डाउन हियर, 14.6 CFT, और एग्रीगेट कितनी लगने वाली भैया, 0.292 ब्रास, विच बिकम्स 29.2 CFT। आए ध्यान में? ओके, अभी अभी जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, दो चीज़ें और समझनी बाकी हमको। ये 1.52 कहाँ से आया, ऐसा बहुत लोगों के मन में सवाल है, 1.52। और दूसरा सवाल आपके मन में था, ये 28.8 कहाँ से आया, है ना? तो देखिए बहुत आसान है ये, पहले लेते हैं 1.52 को। सो ये 1.52 सॉरी 1.52 को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.02। ओके, अब ये 0.02 क्या है? सो ये ध्यान में रखिए कि दिस 0.02 ये कितने में है, ये एक क्यूबिक मीटर में है। सो एक क्यूबिक मीटर में 0.02, 100 में कितना, सो इट बिकम्स 2%। आया ध्यान में? सो ये 2% हमने हर जगह पे ऐड किया हुआ है, देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, ये 2% है वेस्टेज। साइट पे अलग अलग प्रकार से वेस्टेज होता है, हैंडलिंग का वेस्टेज है, स्टोरेज का वेस्टेज है, तो उसके लिए हमने प्रोविजन रखी है अपने मिक्स में 2% की। ओके, अब ये 1.5 कहाँ से आया, तो देखिए 1.5 को अगर लिखेंगे, सो दिस बिकम्स 3/2। इसका मतलब क्या किया मैंने, हर जगह पे 1.5 से जब मल्टीप्लाई किया है, तो क्यों किया 1.5 में? सो ये एडिशनल फैक्टर ध्यान में रखिए, हम लोग जिस मेथड से काम कर रहे हैं उसका नाम है ड्राई मिक्स मेथड। ड्राई मिक्स मेथड आए ध्यान में? सो ड्राई मिक्स मेथड में हम लोग ये एश्यूम कर रहे हैं कि सीमेंट कंक्रीट का यील्ड है 67%। कितना है, 67%। अब 67% यील्ड का मतलब समझ लो जरा, एक क्यूबिक मीटर अगर मैंने ड्राई मिक्स लिया, ये कितना है, एक क्यूबिक मीटर, तो इस सॉरी इस एक क्यूबिक मीटर ड्राई मिक्स को जब मैं पानी डाल के वाइब्रेट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, क्या अंदाज है? यस, ये एग्जैक्टली हो जाएगा मित्रों 2/3 ऑफ ए क्यूबिक मीटर। बस ये ध्यान में रखिए, और इसको कहा गया यील्ड, यील्ड ऑफ कंक्रीट। तो यील्ड कितना है कंक्रीट का, 2/3, या तो 2/3 याद रखिए या 67% याद रखिए। एक क्यूबिक मीटर अगर ड्राई मिक्स में लेता हूँ तो मुझे यील्ड कितना मिलता है, 2/3। एक क्यूबिक मीटर का ये हो जाता है 2/3 क्यूबिक मीटर, है ना? ये क्या है, दिस इज कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये क्या है, ड्राई मिक्स। तो अब इसी इक्वेशन को हमको लिखना है उल्टा, कि मुझे 2/3 क्यूबिक मीटर ड्राई मिक्स जब चाहिए रहता है तो मैं एक क्यूबिक मीटर ड्राई मिक्स लेता हूँ, 2/3 क्यूबिक मीटर कॉम्पैक्टेड, यहाँ लिखता हूँ कॉम्पैक्टेड तो आसान हो जाएगा। कॉम्पैक्टेड जब मैं चाहता हूँ 2/3 क्यूबिक मीटर, तो मुझे ड्राई मिक्स कितना लेना पड़ता है, एक क्यूबिक मीटर। तो इसका इसलिए एक क्यूबिक मीटर कॉम्पैक्टेड के लिए मुझे कितना लेना पड़ेगा, सो ये 1/2/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये
अपॉन थ्री उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5 आए ध्यान में। सो यही 1.5 का जो फैक्टर है ये हमने लिया हुआ है इस जगह पे, गॉट इट। सो ये इस प्रकार से 1.52 की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। अभी अगर आपको किसी साइट पे किसी ने कहा कि भैया वेस्टेज हमारे यहाँ पे 5% होता है, 5% आप कंसिडर कीजिए, तो क्या करना है? नथिंग टू वरी। ये कैलकुलेशन में हमने 1.52 लिया हुआ है जिसमें 1.5 यील्ड के कारण फैक्टर आया था और 0.02 2% वेस्टेज जब लिया था तो यहाँ पे 0.02 लिया था। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 5% वेस्टेज है, नो प्रॉब्लम, सो कट करो, यहाँ पे लिखो 5%। और ये 5% इसलिए यहाँ पे कितना हो गया 0.05, इसलिए ये कितना हो गया 1.55 आए ध्यान में। इसलिए अगर आपको अभी कैलकुलेशंस करने हैं तो क्या करना है, ये आपके पास में है ही, यहाँ पे 1.52 के बजाय यहाँ पे लिखिए 1.55 कैंसिल लीजिए, रिकैलकुलेट कीजिए, ये सारे फैक्टर्स थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे, हो गया आया ध्यान में। सो एक बार रिवीजन कर लें। हाँ सॉरी, आपको ये भी बताना है ना कि 28.8 कहाँ से आया है ना, तो जरा इधर ध्यान दो। देखिए सीमेंट की बल्क डेंसिटी, ये वर्ड ध्यान में रखो, सीमेंट की बल्क डेंसिटी है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर, ध्यान रखो स्टैंडर्ड फिगर है, बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज 1440 क्यूबिक मीटर। अब मुझे बताइए सीमेंट की एक बैग अगर ली मैंने, उसमें सीमेंट कितना आता है, यस 50 kg है ना। इसलिए 1440 किलो जो सीमेंट है एक क्यूबिक मीटर में, वो अगर मैं बैग्स में भरना शुरू कर दूं 50-50 किलो की, तो कितना सीमेंट, कितने बैग्स भरेगी। सो 1440 / 50 दिस बिकम्स 28.8 बैग्स आए ध्यान में। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्यूबिक मीटर सीमेंट अगर लिया मैंने तो उससे 28.8 बैग्स अपनी होने वाली है। तो इसलिए आपको याद होगा यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर हमको, हमने अगर ये डायरेक्टली ये फैक्टर लिया होता इतना, तो ये क्वांटिटी किस में आती थी, क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर से कुछ फ़ायदा नहीं ना साइट पे, इसलिए हमने क्या किया इसको 28.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये क्वांटिटीज आ गई। ओके अभी एक चीज़ और रह गई, किसी ने ये नहीं पूछा अभी तक ये 3529 कहाँ से आया, तो उसका जवाब भी सुन लो, जब इतना सीख लिया है तो थोड़े के लिए क्यों है ना। सो एक क्यूबिक मीटर में होते हैं 35.29 CFT, इतना तो याद है आपको है ना। अगर याद नहीं होगा ना भैया तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, उसका बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला जो कोर्स है उसमें ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो ओके। और कॉन्फिडेंस पाओ, इंटरव्यू में जाना है, नई नौकरी तलाश करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार ये कोर्स कर लो मास्टरी हो जाएगी। सो एक क्यूबिक मीटर में 35.29 CFT, एक ब्रास में होते हैं 100 घन फीट 100 CFT, तो 35.29 CFT एक क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.29 CFT डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.3529 ब्रास हो गया। और इसलिए अगर इससे मल्टीप्लाई नहीं करते थे हम इस 0.3529 से, तो ये जो क्वांटिटी थी ये आने वाली थी क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर से फ़ायदा नहीं ना,
अब साइड पे सैंड वाले को, खड़ी वाले को क्या बताएंगे? ब्रास में। तो ब्रास में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.3529 से। ओके, क्लियर। सो संतोष कुलकर्णी का ये ट्रेनिंग आपको कैसे लगा अवश्य बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में आपके इंटरेस्ट के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखते जाओ, नए नए वीडियोस और आने वाले हैं। ओके, और इसमें अगर कुछ आपको लगे कि थोड़ा एडिशनल क्लैरिफिकेशन और चाहिए तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट में लिखिए, मैं आपको बड़ी खुशी होगी मुझे ये सब बताने में, मैं अवश्य उसका एक अलग से वीडियो बना के यहाँ पे पोस्ट करूँगा। ओके, और ऑनलाइन कोर्सेस अगर ज्वाइन करने चाहते हो तो मुझे लिख दो, और मेरा ईमेल आईडी मैं देता हूँ, वहाँ पे मुझे लिखो। बिल्कुल आसान ईमेल आईडी है, देखिए मेरा नाम बताया मैंने, संतोष कुलकर्णी, तो उसके आगे खाली कॉन्टैक्ट लिख दो, कॉन्टैक्ट एट संतोष कुलकर्णी .com। वैसे ये ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, सो संतोष कुलकर्णी आपसे इजाज़त चाहते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।